بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين مسلمانوں کے لیے یہ گنجائش اور اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بہت ہی خاص دوستی کافروں سے بنا لے مسلمانوں کو چھوڑ کر مومن کو چھوڑ کر وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ جو شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے بس اللہ رب العالمین اس کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے مگر یہ کہ تم اس سے بچنے کے لیے اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کے طرف ٹھکانہ ہے قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چھپاؤ گے اپنے سینے میں جو کچھ یا تم ظاہر کرو اللہ رب العالمین اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے بزرگوں اور دوستوں ان آیتوں سے پہلے چند گزری ہوئے آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور بادشاہت سے ہٹانا میرے ہاتھ میں ہے اور دین اور رات کو گھٹانا اور بڑھانا چھوٹا اور بڑا کرنا یہ سب میرے اختیار میں ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہے اور اس میں اللہ رب العالمین یکتا ہے اور اکیلا سب فیصلہ کرتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ایسا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے لہٰذا اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے تین چار ایسی چیزیں بتا دیا جو ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں
कि कभी एक आदमी बहुत ही इज्जत वाला समझा जाता है लेकिन अचानक कभी वो रुस्वा और जलील होता, आखिर ये मामला कैसे हुआ। कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत गरीब होता है, अचानक उसके पास मालदारी और माल की फरावानी आ जाती है, ये किसने किया। इसी तरह से हम और आप रात दिन देखते हैं, कभी दिन बड़ा हो जाता है कभी रात बड़ी हो जाती है, दिन कभी छोटा होता है कभी रात छोटी हो जाती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा को मुर्दा बना देता है और मुर्दे को जिंदा बना देता है। ये कौन करता है, ये अकेला एक रब करीम करते हैं या इसके अलावा और कोई है। हम सब मुसलमान हैं और अकीदा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं करता है और अल्लाह अकेला है, उसका साथ कोई भी शरीक नहीं है। इसीलिए इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि इतना बड़ा निज़ाम और इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह अकेले कैसे चलाता है। इसीलिए एक तबका ऐसा है वो जो कहता है बहुत सारे लोग मिल करके चलाते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है लेकिन उसके छोटे छोटे भी कुछ शरीके कार हैं, ये भी गलत है और ये इसी को शिर्क कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े वाले हैं जो कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद चलती है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, और ख़ुद ये अकीदा भी दहरिया किस्म के लोग रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई मिसाल और कोई उसकी हैसियत नहीं, नौज़ बिल्लाह, बल्कि इस दुनिया को अपने आप बन गई और हम भी पैदा जो हुए हैं हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया और ये एक सिलसिला चलता आ रहा है और इसी तरह से आखिर तक की ये दुनिया चलती रहेगी, और जब दुनिया की एक उम्र मुकम्मल हो जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा न इस्लाम में अकीदा रखने की इजाज़त है और न इस तरह की अकीदा रखने वाले को मुसलमान कहा जा सकता है, और वो बिल्कुल एक दहरिया किस्म के हैं। इसलिए हम और आप जानते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, हमारे माँ बाप ने पैदा नहीं किया। अलबत्ता ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप को बनाया है और उसमें पैदाइश में माँ बाप का ज़र्रा बराबर किसी तरह कोई तसर्रुफ नहीं है। इसके सिलसिले में बुज़ुर्गों ने एक वाक़िया लिखा है जिससे बहुत ही अंदाज़ा ये होता है कि वाक़ियतन खुदावंद कुद्दूस जिस तरह से चाहते हैं वो पैदा करते हैं। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तरज़ुकु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब, की जो आयतें गुजरी इसी की तरफ इशारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बना देता हूँ, जिस तरह चाहता हूँ पैदा कर देता हूँ, एक ज़िंदा इंसान के पेट से मुर्दा बच्चा निकाल देता हूँ और एक मुर्दा चीज़ से मैं ज़िंदा बच्चा निकाल देता हूँ। अंडा मुर्दा है, अल्लाह ताला उससे एक ज़िंदा परिंदा निकाल देता है, और एक इंसान एक औरत ज़िंदा है लेकिन उसके पेट से बच्चा कभी मुर्दा आ जाता है। ये करिश्मा और ये ताकत कौन दिखा रहा है, अल्लाह दिखा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें कोई दखल नहीं है, वो दहरिया किस्म के लोग हैं, उसका ताल्लुक ईमान और इस्लाम से नहीं है। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के बानी और बड़े इल्म के पहाड़ इंसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम का काम इस मुल्क से उनसे जितना लिया है शायद कि अब तक के किसी से लिया हो, और अल्लाह ने उनके इल्म और फिरासत में इस तरह की बातें डाल देता था कि हर तरफ से। अभी तो इस्लाम में जो हमले हो रहे हैं वो मुख्तलिफ और दूसरे नौयतों के, एक वो ज़माना था जिस वक्त अंग्रेज़ का तसल्लुत यहाँ था और अंग्रेज़ यहाँ मुकम्मल काबिज थे, उस वक्त में वो तरह तरह के फितने पैदा हुए थे, और ईसाइत दहरियत हिंदुज़म यहूदियत यलगार, और वो सारे लोग ये कोशिश कर रहे थे इस मुल्क से पूरे मुसलमानों को वजूद ही ख़त्म हो जाए, अगर रहें तो वो खुदा को मानने वाले नहीं रहे, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं रहे। इसीलिए तरह तरह के सवालात करते थे। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने वक्त पर तैयार किया था, और वो जब जवाब देते थे सामने खड़े होकर के या किसी के सामने इस तरह के सवालों का, तो लोग लाजवाब होकर के कहते थे मोहम्मद कासिम नानौतवी नहीं बोलता है बल्कि इसके पेट में इसका खुदा बोला करता है। इसी तरह से एक दहरिया ने एक मौके पर में सवाल किया था कि ये दुनिया को, ये हमको किसने पैदा किया था। हज़रत ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया और वही है पूरे इंसानों को पैदा करने वाला। उसने कहा कि नहीं, माँ बाप पैदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा नहीं करते हैं।
सवाल करने वाला जो था वो एक आंख का जरा काना था। काना देखें, कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन काना, एक आंख उसकी ठीक नहीं थी, यानी मुकम्मल वो देख नहीं पाता था, एक आंख उसकी ठीक थी। हजरत से जब वो सवाल करने लगा कि अल्लाह पैदा नहीं किया है मुझको, बल्कि मेरे माँ बाप ने पैदा किया और सारे इंसानों को माँ बाप पैदा किए और ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा क़यामत तक, तो हजरत उनके सवालों को सुन कर के खूब हंसने लगे। क्या किए? खूब हंसने लगे। तो और गुस्सा हुआ, अरे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूँ और मेरी बात को सुन कर के आप हंस रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि हाँ, हंसी इसलिए आ रही है मुझको कि अल्लाह ने ठीक तुमको काना पैदा किया है। तो और गुस्सा हुआ, ये मुझको क्या कह रहा है, ये इतना बड़ा आलिम होकर के इस तरह की बातें। कभी कभी उलमा इकराम बरवक्त और हाजिर जवाब देने के लिए इस तरह के अंदाज इख्तियार करते हैं, अगरचे दूसरों को बुरा लगता है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर वो दे नहीं तो आप बताओ कहाँ से उसको समझाएंगे। कुरान पूरा भरा पड़ा हुआ है और अल्लाह कह रहा है कि मैं तुमको पैदा किया हूँ, मैं जिंदा को मुर्दा, मुर्दा से जिंदा बनाता हूँ, और फिर भी नहीं आदमी समझता है तो क्या करेगा। हजरत ने कहा कि हंसी इसलिए आ रही है कि ठीक तुमको अल्लाह ने काना पैदा किया है। तो और गुस्सा हुआ, कहा कि क्यों आप ऐसी बात कह रहे हैं। कहा कि इसलिए अल्लाह ने तुमको काना पैदा किया है। कहा अल्लाह ने, मेरे रब ने, एक आंख हमने दी है, एक आंख तेरे माँ बाप जरा लगा दें तब जानो। एक आंख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया, एक आंख खराब है, एक आंख ठीक नहीं है, तेरे माँ बाप मिल करके क्यों ने एक आंख ठीक कर दिए, पता ये चला कि माँ बाप के इख्तियार में नहीं है। माँ बाप कभी नहीं चाहते मेरा बेटा एक आंख का अंधा और काना पैदा हो, माँ बाप कभी नहीं चाहते लंगड़ा लूढ़ा पैदा हो, माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐबदार बच्चा पैदा हो, हज़ार वो कोशिशें करें फिर भी अल्लाह अगर चाहता है तो पैदा कर देता है। उसने कहा कि मौलाना कासिम साहब, अब बात मुझको समझ में आ गई कि हाँ हाँ, मुझको अल्लाह ही ने पैदा किया है, माँ बाप ने पैदा नहीं किया। अगर माँ बाप पैदा किए होते तो आँख दोनों देकर के पैदा किए होते। तो मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहली आयतों में जो ये मिसाल देकर के और बहुत ही वजाहत के साथ जो बयान फरमाया कि सुन लो, खूब अच्छी तरह से अपने दिलों में ये बात बैठा लो, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुमको रोजी देने वाला कौन? मैं हूँ, मेरे सिवा कोई रोजी नहीं देता है, कितना भी कर लो। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वाला تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपनी औलाद को खिलाने पिलाने फाका और किसी मुसीबत की बुनियाद पर में मत कत्ल करो। क्यों? किस लिए? नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, हम तुमको भी रोज़ी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी देते हैं। अल्लाह का वादा है और रोज़ी तो ढूंढती है। इंसान को कहाँ चला गया है, हम आए हैं तुम्हारे पास आ लो, लेकिन वो आदमी गफलत में कभी इधर उधर चला जाता है तो वो रोज़ी वापस भी चली जाती है, फिर बरकत की रोज़ी तलाश आदमी करता फिरता नहीं मिलती है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह साफ फरमाए तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो। कत्ल हो रहे नहीं हो रहे? पहले दौर में कत्ल किया जाता था, पहले दौर में इसीलिए तो बच्चियों को कत्ल कर दिए जाते थे। अब फ़र्क आया, ज़रा ज़माने में फ़र्क आ गए, बहुत सारे हालात बदल गए। पहले लोग कत्ल कर देते थे, मिट्टी में दबा देते थे, कब्र बना करके उसमें सुला देते थे, उस पर मिट्टी डाल देते थे, उसको कुछ से कुछ अलग कर देते थे, वजह उसकी इसको खिलाना पड़ेगा, इसको आगे चल करके किसी के घर में ब्याह करना पड़ेगा और फिर ये मेरे लिए ज़िल्लत और रुसवाई की चीज़ बनेगी, इसलिए बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। अब क्या हुआ? अब तो आने ही नहीं देते हैं, अब तो आने नहीं देते हैं, अब भी कत्ल वही हो रहा है। इसीलिए तमाम उलमाए किराम फुकहाए किराम लिखते हैं कि जिस तरह उस कत्ल का सज़ा है, इसी तरह इस कत्ल का भी सज़ा है, दोनों में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कोई भी फ़र्क नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों का यकसा रखा है। इसलिए अगर कोई आदमी अपने ज़िंदगी में इस तरह के कत्ल करते हैं कि एक बच्ची की पैदाइश को रोकने के लिए और उसके तमाम सांचे बन जाने के बाद, उसके जिस्म और जुस्सा तैयार हो जाने के बाद माँ बाप अगर ये अमल करते हैं तो ये भी मुजरिम उसी तरह है जिस तरह से कल के लोग बच्चियों को कत्ल करते थे। और ये कत्ल भी आज इसीलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है कि हमको इसको खिलाना पड़ेगा, इसलिए कत्ल हो रहा है कि हमको फिर इसकी शादी ब्याह में हजारों दहेज के इंतजाम करना पड़ेगा, दर दर ठोकने खानी पड़ेगी, इसलिए ये तमाम रोजी की बुनियाद पर में और पैसे की बुनियाद पर में कत्ल किया जा रहा है कि ये परेशानी हम ना लें, हमारे यहाँ घर में ये परेशानी ना आए। साफ अल्लाह ने फरमाया और नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, हम तुमको भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों, साफ अल्लाह ने फरमाया वतरज़ुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, रोजी तो मैं देता हूँ जिससे
چاہتا ہوں بے حساب دے دیتا ہوں, بے حساب دے دیتا ہوں, ذرہ برابر بھی کچھ اس میں کمی نہیں, جتنا ہے اس کے گمان سے بھی کبھی کبھی میں زیادہ دے دیتا ہوں. تو یہ صاف ہے اس آیت کریمہ میں, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کافروں کو دوست بنا لیں مومن اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, اور جو مسلمان ایسا کر لیا اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا, اللہ پر پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا ذمہ داری؟ مطلب یہ ہے یہ کافر دوست جب بھی اگر کسی طرح اس کو نقصان پہنچائے گا اور پھر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا, اللہ میں تو مسلمان اور یہ کافر, یہ مجھ کو ستا رہا, یہ مجھ کو تکلیف دے رہا ہے, اے اللہ مجھ کو یہ پریشان کر رہا, آپ میری مدد فرمائیے. اللہ فرماتا ہے فلیس من اللہ فی شے, کوئی ذمہ داری نہیں, پہلے منع کر دیا اس سے دوستی نہیں کرنا, اس سے دوستی نہیں کرنا. الا ان تتقوا منه, ہاں آگے ایک گنجائش اللہ نے نکال دی, گنجائش نکال دی کہ ہاں اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو جب تک اس کے شر سے بچنا ہے اس وقت تک تو کر لو, لیکن دل کی گہرائیوں سے رازدارانہ دوستی کافروں سے جائز نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس ملک میں ہم اور آپ ہیں, اس ملک میں ہمارا کاروبار ہے, لین دین ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس حد تک کہ دوستی جائز ہے, اور یہ اخلاق بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اگر اخلاق بندی سے نہیں کریں گے تو پھر انسانیت ختم ہو جائے گی. اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا, آپ تو یہودیوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا, آپ تو کافروں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا, آپ کے سامنے جو بھی آئیں آپ اپنے اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آئیں. تو بہت سارے ایسے یہودی عیسائی اور کافر لوگ تھے اس وقت میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں بیٹھاتے تھے, اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ اپنے اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ لین دین کا بھی معاملہ ہے. سنے ہیں نا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی تھی تو مدینے میں ایک یہودی قرضہ دیا کرتا تھا, اس لیے مسلمان تو سب تو غریب تھے, مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور ایک ہی کنواں تھا مدینہ طیبہ میں یہودی کے پاس میں, اور کسی کے پاس میٹھا کنواں نہیں تھا, اور پانی کی بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کے یہاں سے سب پانی منگواتے تھے, اور آپ ان سے تعلق بھی رکھتے تھے, اور جب بھی قرضے کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جا کر کے یہودی سے قرضہ لے کر کے آتے تھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہی سے دوستی کرنا, یعنی سارا معاملہ تو اسی مسلمان سے کرنا, کافر سے نہیں کرنا. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا اور عمل کیا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن سے ہٹ کر کے ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت پڑی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو فرما دیتے تھے بلال جا کر کے لے آ, حضرت بلال لاتے رہتے تھے اور وقت پر ہوا تو پہنچا دیتے تھے. ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ایک یہودی سے قرضہ لیتے لیتے مہینہ دن ہو گیا, واپس کرنے کا موقع نہیں ملا, یعنی گنجائش نہیں نکل پائی, موقع گنجائش ایسے نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور حضرت بلال واپس کر دے. اور حضرت بلال کو بار بار یہودی ٹوکتا تھا, بار بار اس سے دھمکاتا تھا, اے بلال لاؤ لاؤ, نہیں تو پھر تمہارا بھی معاملہ ویسا ہی کروں گا جیسا مکہ میں امیہ بن خلف نے تمہارے ساتھ کیا تھا, باندھ دوں گا رسی میں تم کو, دھمکی دیا کرتا تھا. حضرت بلال کہتے تھے رک جاؤ لا کر کے پہنچاتا ہوں, تھوڑی دن اور مہلت دے دو. مہلت لیتے لیتے مہینے دن ہو گئے, حضرت بلال بہت پریشان ہوئے. ایک دن تو اس پریشانی کے عالم میں اس نے دھمکی دے دیا, اگر کل لا کر کے پہنچایا نہیں تو کل میں تجھے رسی سے باندھ کر کے اسی طرح گھسیٹوں گا جس طرح سے امیہ بن خلف مکے میں تجھے گھسیٹا کرتا تھا. حضرت بلال بہت پریشان, وہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں, اگر ہوتا تو نبی فوراً واپس کر دیتے. اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں عائشہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں حاضر خدمت ہوں, یا رسول اللہ بہت وہ تکلیف دے رہا ہے یہودی, بار بار ستا رہا ہے, دھمکیاں دیا ہے, یا رسول اللہ آپ کے پاس میں بھی کچھ نہیں تو ایسا میں کرتا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے میں مدینہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں, آپ اجازت دے دیں, جب انتظام ہو جائے گا تب پھر میں آ جاؤں گا, اب کیا کروں, اس کے سوا اور کوئی شکل تو نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بلال چلو ایسا ہی کر لو. نبی بھی تو نہیں چاہتے تھے, نبی بھی
ये नहीं चाहते थे बिलाल एक दिन भी मेरी नजरों से गायब हो जाए। जहां नबी वहां बिलाल, जहां नबी वहां बिलाल, साथ साथ रहते थे। इसलिए को खास गुलाम थे, खास खादिम थे और बड़े महबूब तरीन खादिम थे। इसलिए रबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दी बज़ाहिर, ठीक है बिलाल तुम जैसा चाहते हो कर लो, जाना चाहते हो तो चले जाओ। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु फजर की अजान देने के लिए आए तो अपने बैग भी साथ में लेकर के आए, अपने थैला अपने कपड़े भी बांध करके लेकर के आ गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजान देने के बाद में हाजिर खिदमत होने वाले थे कि जाकर के नबी से इजाजत ले लूं और फिर फजर नमाज पढ़ करके अंधेरे में निकल जाऊं ताकि मुझको कोई देखे नहीं। देखिए यहां ये एक यहूदी से मामला हो रहा है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, दोस्ती ना करो। कौन सी दोस्ती नहीं करना है, कौन से दोस्ती नहीं करना आगे बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझिए लेन देन का मामला गैरों से इस्लाम उसकी इजाज़त देता है और एक माशरती ज़िंदगी भी इसकी इजाज़त देता है। इसलिए लेन देन, कारोबार, तिजारत, अखलाक, पड़ोसी, ये सारे मामलात में इस्लाम बहुत ही कुशादा दिल है, बहुत ही कुशादा दिल है और बहुत ही उसके लिए गुंजाइश रख रखा है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल किया। आप मक्के में भी वही अमल किए, मदीने तैयबा आए तब भी आपका अमल लोगों के साथ में ऐसा ही रहा। आपको कभी कोई ऐसा जो आदमी आपको सताया है और आपको कभी वो तकलीफ पहुंचाया है, अगर खबर मिल जाती थी कि वो बीमार है तो आप उसके घर पहुंचाते थे, इयादत करते थे। और यही तरीका रहा है बराबर। चुनांचे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं सामान अजान दे करके कि नबी से इजाज़त ले लूँ, नमाज पढ़ने के बाद फौरन निकल जाऊँगा। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इजाज़त दे दिए थे कि ठीक है बिलाल चले जाना, लेकिन नबी के हाथ उठ रहा है बार बार, दिल में एक तड़प है बिलाल चला जाएगा, बिलाल चला जाएगा। नबी रात भर अपने अल्लाह से रुजू करते रहे। चुनांचे दरवाज़ा खोले, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान दिए और दे करके नबी के हुजरे मुबारक की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर भी बिल्कुल अजान के बाद परेशान हैं कि क्या होगा, बिलाल आ रहा होगा, अब फिर इजाज़त लेगा, चला जाएगा। नबी दरवाज़ा खोलते हैं तो 6 ऊँटों पर लदा हुआ सामान रसूलुल्लाह के दरवाजे पर बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल दरवाज़ा खोलते हैं, हज़रत बिलाल भी आते हैं उधर से, या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बस जाना कहीं नहीं, ये सामान आया जाओ यहूदी को पहुंचा दो। तो मैं ये अर्ज़ ये कर रहा हूँ, देखिए लेन देन का मामला है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेन देन का बराबर मामला रखा है और उनके साथ अच्छा हुस्न सलूक का मामला किया है। यहाँ जो दोस्ती से मना किया जा रहा है वो दोस्ती है कि तुम इतना नहीं उसमें घुल मिल जाओ कि अगर वो शराब पीने लगे तो भी पीने लगे, अगर वो नाच गाने में चला जाए तुम भी नाच गाने में चले जाओ, वो अगर कोई गुनाह और शिर्क का काम कर रहा है तो मेरा दोस्त है हम भी चले जाए, नहीं इतना ना घुल मिल जाओ कि तुम्हारे ऊपर में उसका रंग चढ़ जाए, तुम्हारे ऊपर में उसका असर पहुंच जाए और तुम अपने राजदाराना बात उसको बता दो और वो तुम्हें अपना राजदाराना बात बता दें और तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि बिल्कुल कोई फर्क ना पैदा हो, ये मुसलमान है ये गैर है, इस तरह से दोस्ती ना करना। हाँ करना लेन देन तक की उसकी शर और शरारत से बचने के लिए, अगर इस पर अमल हो जाए तो इंशाल्लाह कभी भी धोखा नहीं खाएगा। आप कहेंगे ये तो कानून और ये आयत करीमा तो ना इत्तिफाकी पैदा करने की बात कर रहे, बस ये समझ लीजिए अल्लाह ने हमको और आपको पैदा किया है तो ज्यादा जानता है, अल्लाह ने हमको और आपको पैदा किया है तो ज्यादा जानता है ये कहां कहां मोमिन मुसलमानों को मुझको बचाना है। और साफ फरमा दिया फलैसा मिनल्लाहि शै फी शै, अगर ऐसा कर लोगे तो मेरे ऊपर से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। आज पूरी दुनिया का आप नक्शा देखें, पूरे इस्लामी मुल्कों का आप नक्शा उठा करके देखिए और आज तारीख पढ़िए, जितने गैरों से लोगों ने हाथ बढ़ा करके दोस्ती किया आज वो मार खा रहे हैं, आज उनके पास परेशानियां आ रही, वो दबते आज चले जा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथ उठा दिया है, तुम मार खाओ तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई होगी, जब तुम फिर मेरे तरफ रुजू कर लोगे मुकम्मल तौर से तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते खोल देंगे। और जब भी ऐसा हुआ तो मेरे भाई बुजुर्गों ने अल्लाह ने कामयाबी हमेशा दी है। इसलिए बिल्कुल इस बात को बिल्कुल दिलों में बैठा लीजिए, उनसे इतना ही हमको ताल्लुक रखना है। हाँ अखलाकी एतबार से आपका वो पड़ोसी है तो आप उसके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उसके दुख दर्द में आप शरीक रहिए, उसके किसी भी चीज तकलीफ में आप हाथ बढ़ाइए, उनके साथ में अच्छा अखलाक पेश कीजिए। और यही तरीका सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन का रहा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बेमिसाल वाकिया ऐसे शायर सारी किताबों में भरी पड़ी हुई है। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी बिल्कुल
رجل ایک غیر مسلم تھا، ایک غیر مسلم مجوسی تھا، اور وہ برابر بڑی زور سے گانا گایا کرتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی، کبھی بھی آپ نے جا کر کے پولیس اسٹیشن میں اس کے لیے کوئی درج نہیں کیا، اس کی رپورٹ نہیں دی ہے، لیکن برابر سنتے تھے سمجھتے تھے۔ لیکن شاگردوں نے کیا کیا، شاگردوں نے کبھی بتا دیا، یا خود بخود اس نے اس کو کسی نے آ کر کے گرفتار کر لیا، کسی معاملے میں گرفتار کر لیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات مکمل سوئے نہیں، ایک رات مکمل بے چین رہے۔ میرے پڑوسی کے گھر سے جو آواز آتی تھی آج آ نہیں رہی، پتہ نہیں اس کے گھر میں کوئی چیز ہو گیا یا وہ اس کا کوئی پریشانی آ گئی۔ آپ صبح ہوتے ہی اس کے گھر پر جا کر کے خبر لیے، کہاں ہے وہ تو پتہ چلا جیل خانے میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً جیل خانے میں پہنچے، قید خانے میں جا کر کے اپنی ضمانت پر اس کو رہائی دلا کر کے لائیں۔ جب اپنی ضمانت پر رہائی دلا کر کے لائیں تو اس نے کہا کہ اب تک تو کوئی بھی نہیں آیا، اور جس کو میں تکلیف پہنچاتا تھا وہ آیا، اس لیے اس کا دین سچا ہے، یہ بہت اخلاق مند ہے، اے ابو حنیفہ آپ اپنے ہاتھ بڑھائیے، وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کو اس نے قبول کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ لین دین، کاروبار، تجارت، پڑوسی اور یہ سارے حقوق میں ان کے ساتھ مل جل کر کے رہنا ہے، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرنی ہے، لیکن راز کی باتیں نہ بتا دو، راز کی باتیں نہ بتا دو اپنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے عقیدے اور اس کے معاملات، اس کے مذہبی چیزوں کو اتنا پسند بھی نہ کر لو، اور یہ نہ کبھی کہہ دو کہ جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھ کو، ہوتا ہے نا ایسا کہہ دیتے ہیں لوگ دوستی تعلق میں، آپ کا مذہب بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کا تہوار بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کی یہ چیزیں مجھ کو بڑی پسند آئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دل سے آپ اس کو کرنا پسند کرتے ہیں، تبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ ایسی باتیں نہ کہو، یہ باتیں کب ہو رہی ہے، تم نے اس کو خوب اچھی طرح دوستی بنا لیا ہے، اتنا گھل مل نہ جاؤ کہ پھر وہ کبھی شرک کا عمل ہو جائے، کبھی حلال و حرام میں فرق نہ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور اجتماعی اعتبار سے اپنے آپ کو اس سے اتنا الگ رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا، اسلام کا کوئی راز کی باتیں اس کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر میں ہمارے سامنے ہندوستان کی تاریخیں بھی موجود ہیں۔ آج جتنے فسادات ہو رہے ہیں اور جتنے ہنگامے ہوئے ہیں، اور آج سے پہلے گجرات میں جتنے مسئلے پیدا ہوئے ہیں، وہ یہی ساری چیزیں، ایک ہی فلیٹ، ایک ہی مکان میں لوگ رہتے تھے، اور ان کو پڑوسیوں کو معلوم تھا مسلمان کے گھر میں کتنے فرد ہیں اور کب آ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کب جاتے ہیں، ساری تفصیلات ان کے پڑوسیوں نے بتا کر کے ان کو دنیا سے ختم کرنے کا راز بتلایا ہے اور سب کچھ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، مطلب یہ ہے کہ اتنی دوستی نہ کرو کہ اس سے گھل مل جاؤ اور اپنا نقصان اٹھا لو۔ اسی لیے اللہ فرمایا فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا، ہاں ڈر اور خوف ہے تو اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ، معاملہ کرو۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، پھر آگے فرمایا اس سے ڈرنا کم، مجھ سے زیادہ ڈرنا، بس اللہ ڈراتا ہے اپنے آپ کو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف کیا ہے، ٹھکانہ ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، ہو سکتا ہے دل کی بات تو کوئی نہیں جانتا ہے، امام صاحب نہیں جانیں گے، محلے کے لوگ نہیں جانیں گے، دل دل میں خوب دوستی کر رہا ہے اور خوب محبت کر رہا ہے، کون جانے گا؟ اللہ جانے گا۔ اللہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم چھپاؤ گے اپنے سینے میں وہ بات، یعنی دوستی اور راز کی باتیں چھپا رکھو گے، یا تم ظاہر کرو گے، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات ما فی الارض، اور زمین آسمان کی ساری چیزیں جانتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت ہے، پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا، یہ دنیا میں کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی، کہاں ہوگی؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کیا حال ہوگا اس دن جس دن ہر نفس کا عمل کیا ہوا، اچھے اور برے ساری چیزیں وہاں کیا ہو جائے گی، حاضر ہو جائے گی، اپنے آپ حاضر ہو جائے گی۔ نیکی کر کے، گناہ کر کے ہم اور آپ بھول گئے، کل قیامت کے دن سب آ جائیں گے، اور جب سب آئیں گے تو اس وقت دیکھ کر کے انسان کہے گا اچھا میں یہ بھی گناہ کیا، تو اللہ رب العالمین تاریخ ب تاریخ، دین ب دین، سارے خیالات اس وقت حاضر کر دیں گے، اور پھر بندہ اقرار کرے گا ہاں ہاں پروردگار میں نے ایسا گناہ کیا، بندہ نیکی کر کے بھول جائے، اللہ رب العالمین اس وقت نیکی کی وہ چیز حاضر کر دے گا، بندہ کہے گا اگر یہ چیز تھی تو میں اور نیکی کر لیتا۔ تو میرے بھائی بزرگو، ایک وہ دن آنے والا اچھے برے کا فیصلہ ہوگا۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، فرمایا جب تم اپنے برائی کی ہوئے اعمال کو دیکھو گے وہاں کل قیامت کے دن، اور جو لوگ دیکھیں گے اس وقت کہیں گے کاش کہ اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک بہت دور کی
की चीज़ हो जाती, ना हम इसको देख पाते, ना ये चीज़ मेरे सामने होती, यानी हम इसके करीब नहीं होते, दूर दराज का फासला होता, बड़ी दीवारें हो जाती, पर्दा लग जाता। काश ऐसा हो जाता तो अल्लाह फरमाए वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुमको डरा रहा है। क्यों? इसलिए एक दिन ऐसा होने वाला है, होने वाला, इसलिए पहले से आदमी को बच जाना चाहिए और रुसवाई और जिल्लत उठाने से पहले अपने आप को होशियार हो जाना चाहिए। आगे अल्लाह फरमाए वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह बहुत ही मेहरबान है अपने बंदों पर, बहुत ही नर्म है अपने बंदों पर, बहुत ही लतीफ़ है अपने बंदों पर, और अल्लाह की मेहरबानी है जिससे हम और आप आज चल फिर रहे हैं, इज्जत के साथ रोटी का एक लुकमा अंदर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कितनी जिल्लत और रुसवाई दामनगीर होती। قل ان تخفوا ما في صدوري قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम वाकईतन अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले फत्तबियूनी युहबिबकुम अल्लाह, तो बस मेरी इत्तिबा करो। कहाँ? रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो। मोहब्बत की पहली अलामत नबी से मोहब्बत। युहबिबकुमुल्लाह, फिर खुद ब खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, खुद ब खुद अल्लाह मोहब्बत। वयग़फिर लकुम, और फिर इसका सिला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह ने यहाँ छोटा और बड़ा गुनाह का जिक्र नहीं किया, बल्कि हुब्बे रसूल की बुनियाद पर अगर अल्लाह चाह ले तो सारे गुनाह को माफ़ फरमा देगा। और आगे फरमाओ अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। ये आयत करीमा एक ऐसी चीज पेश कर रही है जिससे हमारा और आपका सीना क्या है? खाली है, जिससे अल्लाह ने साफ फरमाया। लोग कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, अभी नहीं मानूंगा मैं, अभी नहीं कबूल करूंगा। इसका ऐसा कर रहे हो तो पहले जाओ मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करके देखो, यहां पहले देखो, इस सुन्नत पर अमल करो। सहाबाए किराम रिजवान अजमैन ने इसीलिए इस पर खूब मेहनतें की, खूब मेहनतें की, और नबी की मोहब्बत में वो लोग इस तरह से फिदा हो गए मेरे भाइयों बुजुर्गों कि उनके सामने है ना कोई दुनिया की चीज अच्छी लगती थी, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत। समझते थे उनके सामने आयत करीमा थी, अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह को पहले राजी करना है। अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हूं तो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी पड़ेगी। यहां इत्तिबा सही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंच सकते हैं, और यहां अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन ने तो मिसाल कायम कर दी। इसीलिए एक यहूदी लिखता है दुनिया में अब ऐसी कोई जमात नहीं पैदा हो सकती है कि जितनी मोहब्बत करने वाली सहाबा की जमात थी मोहम्मद रसूलुल्लाह से, ऐसी जमात अब पैदा ही नहीं हो सकती है। बस तो जुबान है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और सब छोड़ दिया है, पांचों वक्त की नमाज छोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया, और कह रहा है कि नबी के दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे तो पकड़ा कब है जो छोड़ेगा नहीं? पहले तो पकड़ो, तो आकर के पहले आकर के मजबूती से तो आओ, पहले नबी की सुन्नत पर अमल करो, तब तो दामन पकड़ना होगा। दामन तो है ही नहीं, हाथ बिल्कुल खाली, अमल खाली है, फिर नारे से तो काम तो नहीं चलते हैं। आज तो नारे लगाने वाले ज्यादा हैं, दावा करने वाले ज्यादा हैं, और इश्क रसूल की बातें कहने वाले ज्यादा हैं, लेकिन अमल करने वाले तो नहीं नजर आ रहे। इसलिए पहले तो चीज देखी जाएगी तुम नबी से कैसी मोहब्बत करते हो। सुनिए, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से नबी ने पूछा सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है तुम्हारी, बताओ उमर। तो उमर कहने लगे सबसे महबूब चीज तो मेरी जान है, मेरी जान है। कहा कि तुम मोमिन नहीं हुए अभी, अभी तुम मोमिन नहीं। अल्लाह अकबर, वो अमीरुल मोमिनीन, वो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, वो उमर फारूक जिसके लिए नबी खुद दुआ करके लाए थे, आए अल्लाह उमर बिन खत्ताब को दे दीजिए, जिनके मुरादे रसूल जो थे। क्या फरमा रहे अल्लाह के रसूल? अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हुआ। तो पूछा या रसूलल्लाह क्यों? कहा कि इसलिए उस वक्त तक के तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक के तमाम दुनिया की चीज़ों से, यहाँ तक के माँ बाप से, बीवी बच्चों से, औलाद से, रिश्तेदारों से, ख़ानदान से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी बढ़कर के मोहम्मद से मोहब्बत न करने लगो।
उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो गया। अल्लाह अकबर, ये इरशाद, ये हदीस तो ये साफ फैसला कर दे रहे मेरे भाई बुजुर्गों कि हम लोग अभी कामिल मोमिन नहीं है। अगर कामिल मोमिन होते तो आज ये दीन के साथ शरारतें नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में नबी की सुन्नत का जनाजा नहीं निकलता, नबी की सुन्नत की इहानत नहीं होती, और आज हम नहीं ऐसा करते। सबको हम राज़ी खुश करना चाहते हैं, लेकिन दीन और शरीयत और मोहम्मद रसूलुल्लाह को राज़ी नहीं करना चाहते। अगर मोहब्बत होती और कामिल मोमिन होते तो हम बिल्कुल साफ कह देते, जहेज लेना हराम है, नहीं लूँगा, दहेज लेना जायज़ नहीं, नहीं लूँगा, खड़े खाना सही नहीं, खड़े नहीं खाएँगे, फ़ोटो खिंचा ना, खाते खाते और वीडियो कैमरे बनाना, नाच गाने की सारी शरारतें शादियों में होना, ये इस्लाम का रसूलुल्लाह का तरीका नहीं, हम नहीं करेंगे। है कोई कहने वाला? सब खुशी खुशी जा रहा है, सब खुशी खुशी जा रहा है, खाने वाला भी खुशी खुशी, खिलाने वाला भी खुशी खुशी, किसी के दिलो दिमाग में कभी ये एहसास नहीं होता है ना, मोहब्बत रसूल से हमें दूर होता चला जा रहा हूं। अगर कोई नाराज हो जाए तो पूरे घर वाले मनाने के लिए नहीं, आप आइए, सालों की गलतियां माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूं, आज जोड़ता हूँ, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, ये रस्म कीजिए, इस रस्म में आ जाइए, ये चीज़ें कीजिए, लेकिन कभी ज़बान से ये नहीं निकलती है मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छूट रहा है, आओ ज़रा नबी को मना लें, आओ ज़रा अल्लाह को मना लें। वो आज कहने वाला नहीं, इसलिए पता ये चलता है हम लोग अभी कामिल मोमिन नहीं हैं। हैं, अगर होते तो फिर ऐसा नहीं होता कि किरदार कुछ, जाहिर कुछ और बातिन कुछ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मैं कामिल मोमिन कब हो जाऊँगा? अल्लाह अकबर, मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए हैं, हैं इतने तकलीफ़ें उठाए हैं, और इस्लाम की खातिर उनके लाने, ईमान लाने की वजह से इस्लाम का बोलबाला हुआ, और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशी मनाएं, और फिर हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन को बड़ी हौसला और हिम्मत मिली है। आज उस उमर से रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं, ऐ उमर, तू कामिल मोमिन नहीं। तो कहा या रसूल अल्लाह, फिर कामिल मोमिन कैसे बनूंगा और कब बनूंगा? तो आपने फरमाया, सारी चीजों से यहां तक जान से भी बढ़ करके मुझको तुम अपना महबूब ना बना लो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने गिरहबान में मुझ झांक करके देखें और नजरें नीचे किए और फिर सर उठाए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अपनी जान से भी महबूब आपको समझता हूं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल आन या उमर, अब तू कामिल मोमिन हो गया। अल्लाह अकबर, अब कामिल मोमिन हो गया। वही अबू जहल का बेटा इकरमा, अल्लाह अकबर, जब ईमान नहीं लाया था और मक्कतुल मुकर्रमा में बाप की जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफें पहुंचाता था और उसके दर पे हुआ करता था और हर तरह के सवालात किया करता था और नबी को तकलीफ पहुंचाने के प्रोग्राम बनाया करता था, में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के उसको कोई दुश्मन नजर नहीं आता था, लेकिन वही इकरमा जब इस्लाम कबूल किए तो क्या कहते हैं, अब ईमान लाने के बाद जिस तरह कुफर के दौर में इस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर के किसी की दुश्मनी नहीं थी मेरे दिल में, आज इस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर के किसी की मोहब्बत नहीं है, तब वो लोग कामिल मोमिन हुए, तब उनको इस धरती और ज़मीन पर अल्लाह ने फरमाया, तू जन्नती है, मैं तुझसे राज़ी हो गया। मेरे भाई बुजुर्गों, आज सोचने की ज़रूरत है, बीवी को हम खुश कर लेते हैं, माँ को खुश कर लेते हैं, बाप को खुश कर लेते हैं, रिश्तेदारों को खुश कर लेते हैं, सबको मना लेते हैं, हाथ जोड़ करके मना लेते हैं, लेकिन जा रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत निकल रहा है, किसी को गम नहीं। कभी बैठ करके हमने घर में गौर नहीं किया, कभी घर में बैठ करके सारे लोग मिलजुल करके कभी ये फिक्र नहीं किए कि बैठो जरा सोचो हमारे घर में दीन है या नहीं है, कभी बैठा, कभी सोचा नहीं, कभी ऐसी मजलिसें लगी घर में, नहीं लग रही। क्यों? इसलिए कि नबी की मोहब्बत से सीना खाली है। जिस तरह से एक आदमी की तिजारत में जरा सा कमी आ जाए तो बेटा भी बैठता है, बाप भी बैठता है, रिश्तेदार को बुलाया जाता है, मशवरा करो, कैसे ये फर्क आ रहा है, कैसे ये नुकसान हो रहा है, क्यों ये दुकान नहीं चल रही, क्यों ये नुकसान तुम उठा रहा है। माँ बाप सारी फैमिली मिलकर के घर में बैठ करके सोचते हैं और फिर प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन सोचिए कभी कभी महीनों में, कभी साल में घर में बैठ करके गौर किया कि हमारे घर में, हमारी जिंदगी में दीन है या नहीं है? अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर नहीं है तो हजार बार सोचने की जरूरत है, हजार बार सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, घर में महीने में एक मजलिस खुद लगाओ, किसी को बुलाओ नहीं,
किसी को बुलाइए नहीं, खुद बैठिए, सारे लोग बैठिए, सारे छोटे बड़े बैठ करके सिर्फ 10 मिनट आप फिक्र कर लीजिए, क्या मेरे घर में दीन है, क्या मेरे दिल में दीन है, ईमान है, है तो कितना है, नहीं है तो कितना है, खुद पता चलेगा। तराजू ला करके तौलने की ज़रूरत नहीं है, एक महीने में घर का जायजा लीजिए बैठ करके कि है मेरे घर में दीन, कितने लोग पूरे महीने नमाज 5 वक्त की पढ़े हैं, बेटा तुमने 5 वक्त की नमाज पूरे महीना पढ़ा, अगर बेटा कहता है कि नहीं पढ़ा तो सोचने की ज़रूरत है, अब्बा आप पढ़ें 5 वक्त की नमाज, नहीं पढ़े तो सोचने की ज़रूरत है, अम्मी आप नमाज पढ़ी 5 वक्त की, नहीं तो फिर गौर कीजिए, दिन निकल रहा है घर से, दिन निकल रहा, ईमान घर में कमजोर हो रहा है, सोचने की जरूरत है। आज ये फिक्रें खत्म हो गई, उसकी वजह ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें दिलों में नहीं, अगर वो मोहब्बत होती तो फिर ये चीज नहीं पैदा होती। इसीलिए सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन ही की वो जमात है जो रसूलुल्लाह से इस आयत करीमा के मुताबिक वो मोहब्बत करते थे, इसलिए वो तड़पते रहते थे, वो लोग आरजू किया करते थे कौन सा ऐसा मैं अमल करूं जिससे मेरा आका मेरे रसूल खुश हो जाए। एक सहाबी लाल कपड़ा लाल चादर ओढ़ करके आ गए, क्या आ गए, लाल चादर रेशमी कपड़ा ओढ़ करके आ गए, अल्लाह के रसूल देखते हैं, देखने के बाद जरा नजर फेर लेते हैं, साथियों से पूछा क्या हुआ, कहा कि तुमने लाल चादर जो ओढ़ रखी थी ना रसूलुल्लाह को पसंद नहीं आया, इसीलिए अल्लाह के रसूल तुमसे चेहरे को इधर फेर लिए। कहा कि अच्छा, उठे और सीधे उठ करके गए, कहाँ गए, घर गए, घर में औरतें चूल्हा जला रखी थी, अपनी चादर उठा रहे और आग में डाल दी। जिस लिबास से मेरे आका को खुशी नहीं, वो लिबास मैं कभी भी नहीं पहन सकता, नहीं पहन सकता। आ गए, अब आए हैं तो चादर नहीं, अल्लाह के रसूल अब देखते हैं और पूछते हैं क्या हुई हो तुम्हारी चादर, क्या हुई तुम्हारी चादर, या रसूल अल्लाह दोस्तों ने साथियों ने बतलाया कि आपको उस चादर से नागवारी हुई और आपको तकलीफ पहुंची है। अल्लाह के रसूल मैं उसको रखना पसंद नहीं किया, घर गया चूल्हा जल रहा था, मैं तो चूल्हे में जला दिया उसको ताकि आपके खिलाफ कोई मेरे जिस्म पर लिबास ना रहे, इसलिए जला दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई औरतों के लिए जायज था, अपने घर की औरतों को दे दिया होता, औरतों को लाल कपड़ा पहन सकती हो, लाल पहने काला पहने कुछ भी पहने, लेकिन ढीला ढाला पहने, बारीक ना पहने, मोटे छोटे पहने, शरीयत के लिबास को जो वजा कता उस एतबार से पहने, और मर्दों के लिए शरीफाना और अच्छा लिबास जो है वो सफ़ेद है, वो बहरूपिये के तरह ऐसे वैसे कपड़े नहीं, एक शरीफाना अंदाज से इंसान को और मुसलमानों को रहना चाहिए। खैर तो मैं अर्ज़ ये कर रहा है, ये चादर जो जल रही किस बुनियाद पर जल रही है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर जल रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर जल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को कहा जाओ ये प्याला है और इसमें एक चीज़ है, जा करके मिट्टी पे दफन करके आ जाओ, जाओ जरा दफन कर देना, ख्याल रखना ऐसी जगह दफन करना इसको जहाँ किसी के कदम और पैर ना पड़े। सहाबी गए तो अंदर देखें अच्छा खून है इसमें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और हयात में अगर बदन मुबारक में कभी कोई दर्द और कभी जिस्म में किसी को तकलीफ़ होती थी तो वहाँ का खून किसी तरह से खींच करके बाहर निकाल लेते थे, अब तो वो काटने उठने का मसला आता है, ऑपरेशन का मसला आता है, लेकिन पहले दौर में सिंगी के ज़रिए से उसको निकाल लिए जाते थे। अल्लाह के रसूल ने प्याले में दे करके भेजा, सहाबी ने देखा कि अच्छा रसूलुल्लाह का खून है और ये दफन मिट्टी में गए छुप गए और किनारे जा करके पूरा का पूरा पी लिए, आकर के प्याला वापस किए। अल्लाह के रसूल ने पूछा अच्छी जगह दफन किया, ख्याल रखा कहीं किसी के कदम ना पड़े, इसलिए नबी के खून पर किसी का कदम पड़ना तो ये बेहुरमती की अलामत है, बेहुरमती की अलामत है, इसीलिए ख्याल रखा। कहा या रसूल अल्लाह ऐसी जगह उसको दफन कर दिया, कदम तो दूर की बात नज़र भी किसी के नहीं पड़ेगी। कहा कि क्या किया, कहा कि या रसूल अल्लाह पी गया। अल्लाह के पैगम्बर ने इरशाद फरमाया जाओ अल्लाह तुम पर जहन्नम की आग को हराम कर दे, बस ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। अब सवाल पैदा होता है क्या नबी का खून पाक, इंसानों का खून क्या है नापाक है, इंसानों का खून नापाक लेकिन नबी का खून क्या है पाक, क्यों भाई, इसलिए इंसानों के जिस्म से अगर एक मुसलमान के बदन से खून निकला तो वजू टूट जाती है, रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से खून निकले तो वजू नहीं टूटती, क्यों, फ़र्क ये है कि नबी कभी हराम लुकमा भी नहीं खाता है, और खून पाक और नापाक कैसे होता है हराम लुकमे से, हमको और आपको ये फ़र्क नहीं महसूस होती है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हराम लुकमा पेश भी कर दे तो अल्लाह उसको बचा देता है, इसीलिए आपके जिस्म मुबारक
में कभी भी कोई हराम लुकमा नहीं किया, मुश्तबह लुकमा नहीं पहुंचा। इसीलिए आपका खाना पाक तो आपका खून भी पाक, आपका खून भी पाक है। और आम इंसानों के लिए, हमारे और आपके लिए ये चीज़ें हैं नहीं, जहाँ से आ जाए हपा हप लपा लप गपा गप मार देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं, हलाल है या हराम है कोई पूछने वाला नहीं, न पकाने वाली पूछ रही है, न लाने वाला पूछ रहा है, न कोई इस पर में ख्याल किया जा रहा है। बनने दो ये खून, हाँ ये खून बनेगा और बनने के बाद इसकी सज़ा कहीं और भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, रसूलुल्लाह के खून क्या थे, पाक थे, सहाबी ने पी लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, तो क्या सिला मिला, जाओ अल्लाह तुम पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया, यानी तुम जहन्नम में नहीं जाओगे। एक बिल्कुल हबशी गुलाम, हबशी नौजवान किताब पढ़ा, पढ़ने के बाद इस कोशिश में है, किस कोशिश में, कि मेरे आका बाल कैसे रखते थे, बाल कैसे रखते थे मालूम है, अगर मजमे में पूछ लिया जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कैसे रखते थे तो पता भी नहीं। हाँ पूछ लो, वो हीरो कैसे रखता था, हाँ हाँ हम बता देंगे हजरत, रख करके बता देंगे, हाँ रख करके बता देंगे, ये तो पता है, ये पता है, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं पता है मेरे आका अपने सर के बाल कैसे रखते थे, क्या कैफियतें होती थी और किस किस तरह से रखते थे। अगर रसूलुल्लाह कंघा करते थे तो कैसे करते थे, और मांग निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ना छोड़ दिया। अब तो टीवी में देख करके कौन कैसे नाच रहा है बेहूदा, उसी तरह हम भी नाचने लगे, पूरा ड्रामा ये हो रहा है, माशरा तबाह बर्बाद हो रहा है। मेरे भाई बुजुर्गों, हुब्ब रसूल पैदा करो। हबशी वो जानते हैं जिसके सर के बाल बहुत ही सख्त और घुंघरेले होते हैं, उनके मांग नहीं निकलते हैं। अल्लाहु अकबर, किताब देखे, रसूलुल्लाह के बारे में मालूम किए, पूछे सहाबी से, पूछे दोस्तों से, पूछे अल्लाह के रसूल मांग कैसे निकालते थे, तो वो मांग निकालने की कोशिश में है कि किसी तरह निकले, नहीं निकल रहा है, और उस सुन्नत पर वो अमल करना चाह रहा है। कसम खुदा की छुरी लेता है और बीच से चीर देता है और ये कहता है अब जिंदगी में रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करूंगा। मोहब्बत तो हो ऐसी हो, हजरत सहाबी, एक सहाबी बिल्कुल बच्चे हैं, क्या हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, अबू महजूरा हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्र उस वक्त में 7-8 साल की है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना ये अजान के कलमे को नकल कर रहे हैं, तो करीब में बुला करके सर पर इस तरह हाथ रखा और रख करके कहा जरा वही नकल मेरे सामने करो। अब अबू महजूरा फिर अजान की नकल करने लगे, अल्लाह के पैगंबर हाथ इस तरह रखे थे, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आई बात तो वहां खामोश हो गए। अल्लाह के पैगंबर ने फिर फरमाया जोर से बोलो, तो अबू महजूरा उस वक्त में काफिर के बच्चे थे, ईमान नहीं लाए थे, नहीं बोलते थे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जरा जोर से बोलो बेटा, तो कहा कि जोर से बोलना ही है तो अब इस्लाम ही कबूल कर लेता हूं आपके हाथ पर। 8-7 साल की बच्चा इस्लाम कबूल कर लिया हजरत अबू महजूरा, बड़े हो गए हैं बाल नहीं कटा रहे हैं। आज इश्क हो तो ऐसा हो, इश्क हो ऐसे हो, आज तो हमने बाल तो छोड़िए दाढ़ी पर हमने हमला कर दिया, दाढ़ी पर हमने हमला कर दिया, कभी इसकी फिक्र नहीं किया कि मेरे आका की सुन्नत है, रसूलुल्लाह से अगर मुलाकात कब्र में होगी, हाय हाय किस शक्ल में मुलाकात होगी, किस शक्ल में मुलाकात होगी, कभी सोचा। चलिए नौजवान सर अपनी जवानी में बह रहे हैं, लेकिन वो बाउमर बुजुर्ग लोग भी इस तरह के बहावे में जा रहे हैं, क्या उनको अब निकाह करना है, क्या अब उनको मुलाजमत में जाना है, क्या अब उनको दुकानों में बैठना है, लेकिन इस उम्र में भी वो अपनी दाढ़ियों की फिक्र नहीं कर रहे हैं और नबी जैसे चेहरे बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं कि मरने के बाद जब कब्र में मेरी आंख खुलेगी और खुदा न खास्ता रसूलुल्लाह से मेरी जियारत होगी तो क्या मेरी शक्ल को देख करके नबी खुश होंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, कम से कम वो बुजुर्ग हजरात जिनकी उम्रें अब ढल गई है, अब वो दुकान में नहीं बैठ सकते, मुलाजमत नहीं कर सकते, अब दूसरी तीसरी निकाह वो नहीं कर सकते, इनको तो दाढ़ी रखनी चाहिए, इनको तो रसूलुल्लाह के चेहरा बनाना चाहिए, इनको तो नबी की सुन्नत और मोहब्बत अपनानी चाहिए, ना इनके घर में कोई टोकने वाला, ना अब न कोई कहने वाला, और ना किसी तरह से कोई घर में इस सुन्नत को जिंदा करने वाला। अब तो अगर औरतें चाले कसम खुदा की ये सुन्नत घरों में जिंदा कर सकती हैं, लेकिन आज तो हालात ये, ना औरतों के दिलों में मोहब्बत है ना मर्दों के दिलों में मोहब्बत है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत से हम और आप पूरे खाली हैं। बाल बड़े बड़े हो गए, उम्र बढ़ती चली गई, लोग कहते थे अबू महजूरा जरा क्या करो, बाल कटा लो, लंबे लंबे हो गए। तो कहते थे मैं इस बाल को कहाँ काट करके फेंक दूँ जिस बाल पर मेरे आका का हाथ लगा हुआ है, कहाँ फेंकूँगा इसको,
किस जगह डाल दूं मैं इस पर, तो रसूलुल्लाह का हाथ लगा है, इसलिए मैं इसको नहीं काटूंगा, नहीं फेंकूंगा। अल्लाहु अकबर। और जिस बाल के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दाढ़ी के बाल पर तेरे 70 फरिश्ते रहमत की दुआएं दिया करते हैं, हम जुमे ही के दिन मुड़ा देते हैं। किस दिन मुड़ाते हैं? जुमा के दिन तैयारी करके आ रहे हैं मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, पूरा साफ सफाई करके आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए खास तौर से नौजवानों को भी मैं कहता हूँ, बुजुर्गों से खास तौर से कहता हूँ, अब तो कम से कम तुम्हारा आपकी शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल और सुन्नत पर तो हो जाए, बन जाए, ताकि अल्लाह खुश हो जाए। और घर की औरतों से मैं, माँ बहनों से गुजारिश करूँ, ऐसे मर्दों को आप टोकिए, अपने बच्चों को इस तरह तरगीब दिलाइए, और अपने बड़ों को, अपने शोहरों को, अपने बुजुर्गों को कहिए कि तेरा चेहरा मैं रसूलुल्लाह की तरह देखना चाहती हूँ। है कोई औरत बोलने वाली? नहीं, वो तो मना करती हैं, वो मना करती हैं, बेटा अभी दाढ़ी रख लिए दुल्हन नहीं मिलेगी, बेटा अभी से दाढ़ी रख लिए मुलाजमत नहीं मिलेगी, बेटा अभी से तुम दाढ़ी रख लिए तुमको तो बुढ़े कह देंगे। अल्लाह अकबर। अरे दाढ़ी रखने में बुढ़े और उम्र की क्या बात है? एक नौजवान थे जो अभी फिल्मी दुनिया में काम करते थे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक और हिदायत दी, और पुणे में वो नौजवान अभी भी है, कभी कभी मुलाकात होती है, जब दाढ़ी उसने रख लिया तो माँ कहने लगे, अरे तू दाढ़ी रख लिया तुझे दुल्हन नहीं लोग देंगे। तो क्या जवाब दिए? जिस रसूल, जिस प्यारे आका की दाढ़ी में रखा हूँ, उस आका को अल्लाह ने 11 बीवियाँ दिए थे, मुझको तो एक तो ज़रूर अल्लाह दे देगा। अगर ये मसला होता कि दाढ़ी वालों को दुल्हन नहीं मिलती, तो सारे मौलवी के बगैर दुल्हन के रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने सबको दुल्हन दे करके सबकी बीवियाँ। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये है नबी से मोहब्बत की कमी की बुनियाद पर मैं, इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश करूँ, जिंदा कर दो इस सुन्नत को अपने घरों में, जिंदा कर दो अपने घरों में इस सुन्नत को, कह दो तुम अपनी ज़ुबान से, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा, तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, कभी मेरी सुन्नत के बारे में कहा, कभी मेरे रसूल के सुन्नत के बारे में अपने शोहरों को टोका, कभी अपने जवान बेटों को कहा, नहीं तो कल पकड़ होगी मेरी माँ बहनों। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ फरमाया, मोहब्बत के दावा करते हो, पहले मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, उनकी सुन्नत पर अमल करके दिखाओ, बताओ, तब हम जानेंगे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। और जब तुम उनसे मोहब्बत कामिल कर लोगे, फिर मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। इस आयत करीमा की भी और तफसील बाकी है, अगले हफ्ते में अल्लाह हम सबों को समझ की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, नाफरमान हैं, जानबूझ करके बेशुमार गलतियाँ हुई हैं, होती रहती हैं। अल्लाह बचाने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। ऐ रब करीम, हम सबों को गुनाहों से बचा लीजिए, हम सबों के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, आइंदा बचने की तौफीक अता फरमाइए, सच्ची मोहब्बतें अता फरमा दीजिए, ईमान और इस्लाम की कदर की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस मजलिस कुरान को बेहद कबूल फरमा लीजिए, आने वाले तमाम भाइयों बुज़ुर्गों माँ बहनों सब की हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए, कहने सुनने को कबूल फरमा लीजिए, अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए, दुनिया और आखरत की भलाइयाँ अता कर दीजिए। ऐ अल्लाह दुनियावी परेशानियों से, गमों से, फ़िक्रों से, हवादिसात से, मुश्किलात से, फ़क्र फाका से, बेरोज़गारी से, मोहलिकात बीमारियों से, ऐ अल्लाह हम सबों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, सेहतमंदों की सेहत की सलामती अता फरमा, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ मांगा वो सब अता फरमा, जो कुछ नहीं मांग सका आप अपने इल्म और शान शान के मुताबिक अता फरमा। हमारी इस मुख्तसर सी दुआओं को महज अपने करम और फजल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफेल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्म रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।